Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, I have picked up one of the trendiest topic going on YouTube, which is girls answering awkward question which boys are afraid to ask. So it's a democratic country, first of all, starting, you know, going with the flow before starting the video. I want to say that it's a democratic country. The answer given by me, it's completely my opinion, and judgmental people can stay away from my video. Thank you and keep watching till the end, and you can write down your answers, your perspective in the comment section below, and please subscribe my channel, hit the bell icon to get notified when I upload a new video. Thank you. And this question is from my college mate Abde. He asked me, do you expect us to always make the first move? See, to be honest, most of the cases yes, and ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ यू नो प्रपोज कर देती है, आज के डेट प्रपोज कर देती है या फर्स्ट स्टेप ले लेती है. ऐसा हमेशा नहीं होता है कि ये एक रूल है कि हमेशा लड़कों को ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि लड़के ही फर्स्ट यू नो फर्स्ट मूव लेते हैं, मगर हर केस में ऐसा नहीं होता. ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम निखिल. Yeah, suppose you are in a committed relationship and you both guys are quite frank to each other in everything, and the thing is that you both haven't met, I guess, for a year or so. Everyone has a craving for everything at our age. What 75% boys do when they crave for physical relationship is that they try on another girl. And so do girls even do the same thing? I think if you're talking about relationship, then you will never try to fulfill your desire from anyone else. ठीक है, आप शायद try करोगे कि जो distance है, long distance है, उसको आप you know maybe you will try to shift yourself, और उसको आप बोलोगे, ऐसा कुछ solution ढूंढोगे, या तो आप wait करोगे. If it is a relationship, then you know I don't think so, it is fair. And वो relationship है भी नहीं, शायद वो कुछ time के लिए attachment बन गई हो आपसे. मेरे लिए तो ये रिलेशनशिप नहीं हो सकती कभी भी. ओके, अच्छा, दिस इज फ्रॉम गौरव. तो गौरव जी ने मुझे पूछा है कि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश जो कोई लड़का आपके लिए करे. तो ये बहुत पहले से मैं सोचते आई हूँ कि कोई मेरे बर्थडे पे मुझे यू नो समंदर किनारे लेके जाके बीच में गिटार बजाते हुए हैप्पी बर्थडे सरप्राइज देगा. तो डेफिनेटली आई वांट दैट. ओके, सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय माय फ्रेंड आदित्य. उसने पूछा है कि पीरियड्स के टाइम पे इतना ज़्यादा मोशंस क्यों होते हैं लड़की को. तो होता यूँ है कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो जाता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल में बहुत अप डाउन हो जाता है. ना कुछ ट्रिगर्स नेगेटिव इमोशंस सच एज इरिटेबिलिटी, एंगर, एंड बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाती है. कई कई लड़कियों को इचीनेस का प्रॉब्लम होता है. मुझे स्पेशली सेकेंड दिन में बहुत ज़्यादा पेन होती है. तो मैं सभी लड़कों को ये बोलना चाहूँगी, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, दीदी हो, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, आप अगर उनके साथ में उस वक्त में हैं, प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट हर मेंटली, एंड काम ज़्यादा मत करने दीजिए, रिलैक्स फील करवाइए, एंड यू नो गिव दैट कम्फर्ट व्हाट शी नीड्स इन दैट टाइम, एंड सपोर्ट कीजिए उसे. सो आदित्य ने और एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि लड़कियाँ इतना महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स क्यों यूज़ करती है स्किन केयर के लिए. तो देखो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? लड़कियाँ मेकअप करती है तभी तुम्हें प्रॉब्लम है, स्किन केयर करे तो भी प्रॉब्लम है, लड़कियाँ करे तो करे क्या. एंड जस्ट किडिंग, मैं ऐसा है कि गर्ल्स आर मोर डेलिकेट एंड सॉफ्ट देन अ गाय. बहुत पैम्पर्ड होते हैं यू नो, छोटे से ही बचपन से ही लड़कियाँ पैम्पर्ड होती हैं, तो उन्हें स्किन केयर करना पड़ता है. एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ यू नो बॉय एंड गर्ल, एवरी वन शुड टेक केयर ऑफ देयर स्किन केयर रेजिम एवरी डे टू डे बेसिस, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. ताकि यू नो इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन योर स्किन केयर, देन यू डोंट हैव टू यू नो पुट ऑन लॉट ऑफ मेकअप इन योर स्किन विच इज़ हार्मफुल एट द सेम टाइम. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, डजेंट मैटर यू आर अ गर्ल और अ बॉय.
सो आशुतोष ने मुझे पूछा है, डू गर्ल्स वांट अ लिटिल फोरप्ले व्हाइल गेटिंग इंटीमेट और डू दे वांट टू गो ऑल आउट? सी अगेन इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स, मगर जितना मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ में देखा है, जो रोड शोज होते हैं दिल्ली वगैरह में पूछे जाते हैं लड़कियों से, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लड़कियों ने बोला है येस येस. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यू नो लाइक इट. आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी पर्सनल ओपिनियन ऑन इट एंड आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो, सो आई डोंट नो. नेक्स्ट थिंग इज, वन थिंग यू वॉन्ट टू से अबाउट द क्रिपी बॉयज आउट देयर staring intensely at your parts and trying for groping them, especially when you are shabbily dressed or something. मैं बोलूँगी भाई साहब, रेप करने के टाइम एक बार चुनरी उठा के देख लेना कौन है, आपकी बहन भी हो सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गर्ल्स really enjoy ignoring boys of your age group, or you do it because you think if you talk to him he will set expectations? See, basically it depends on individuals. कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लड़कियां हैं ऐसे जो अपने सेम एज ग्रुप के लड़के के साथ डेट कर रहे हैं बहुत दिन से, एंड कुछ होते हैं मेरे तरह भी जिनको नहीं करना होता है. आई लाइक मैच्योर गाय, जो मेरे से थोड़ा बड़ा हो एंड मैं जो फेज से गुजर रही हूँ उसको ऑलरेडी उसने ये लाइफ जी लिया है ताकि वो मुझे गाइड कर सके. दैट्स व्हाट आई फील. ओके, तो टाइम एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय वन ऑफ माय गुड फ्रेंड अनिकेत. ही आस्क्ड मी, व्हाई यू गर्ल्स ऑलवेज नीड सम लेजिट आंसर फ्रॉम योर पार्टनर्स ऑल द टाइम इफ ही डजंट वांट टू आंसर इवन? सी, जब हम लोग हमेशा आंसर नहीं पूछते हैं, तुम लोग कुछ गलती करके आते हो एंड ऐसी वैसी हरकतें करके आते हो, तो डेफिनेटली हम क्लैरिफिकेशन तो पूछेंगे एंड वो तुम्हारे पास होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग गलती करते भी हैं तो हमारे पास क्लैरिफिकेशन होती है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होती है जो एक्सेप्टेबल भी होती है. तो तुम लोग ऐसे वैसे बहाना बनाते हो जो एक्सेप्टेबल नहीं होते. सो इसीलिए हम बात एक्सटेंड हो जाती है. So I have got same question from 3-4 people. So I gonna merge it, both of those questions. Basically the base is same. What do you look for in your boyfriend or husband or when it is a matter of settling down? So yes, the first thing I would look for, personality, loyalty and sense of humor. That's it. And if you talk about earnings and all, this is the basic criteria. I think he's earning for his sake, for his living essentials, and I will be earning for my sake, for my essentials. And when you people get married, both of them get married, then we are commonly earning for ourselves. That is the thing. So I don't think that could be a criteria. Agla prashna. मेरे फ्रेंड राजेशी ने मुझसे पूछा है कि द मोस्ट एम्बेरसिंग सिचुएशन इन योर लाइफ. देखो, ऐसे तो मैं मोस्ट एम्बेरसिंग ऐसा तो नहीं बोल सकती, बहुत सारे हैं. उनमें से एक, पीपल आर बैक बीचिंग अबाउट यू एंड द सेम पीपल, व्हेन द सेम पीपल कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड प्रिटेंडिंग ओह हाउ आर यू, आई मिस यू सो मच, ऑल दैट स्टफ. आई रियली हेट दोज पीपल. So embarrassing and at the same time so disgusting. So the next question is asked by Satan. She asked me, what thoughts exactly going on in your mind when the guy asks for a physical relationship with you? See, I don't have any opinion if you are talking about just normal casual dates and hookups, but if it is a relationship, strong relationship, then the first thing that comes in our mind is the probability of being together in future. So the next question is from Shashi Ranjan. Usne pucha, is all the girl interested in non-bitch type stocks? See, it's matter with whom you are talking. Agar tum Facebook ya Insta pe sab ladkiyon ko apni bandi samajh ke, apni nibbi samajh ke non-bitch baat karne jaoge, to definitely they will block you.
And this is the simplest answer. And if it is a matter of your girlfriend, then it should come from both ends. That's it. So, here is a question, again asked by Shashi. Is all the girl not interested in BDSM? So first of all, my first thought ki main isko kuch alag samajh rahi thi. I thought engineering mein hamari ek subject hoti hai DBMS bol ke second year mein. So I thought ki he is asking about this. So uske baad maine Google kiya. So it was BDSM. It's related to sex and I think it's a torture. ये trend काफ़ी ज़्यादा viral हुआ ये movie के बाद 50 Shades of Grey and I feel personally it's a torture and that's my opinion on it. I can't say more on it. So sorry she मुझे पूछा है how do you inhale the good spirits of your life and how do you exhale the bad things from your life in the darkest period. So I already do you know मेडिटेशन डे टू डे बेसिस. मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ. स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ. आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानती हूँ. आई थिंक दिस ऑल आर बेसिक थिंग्स विच यू नो विच हेल्प्स यू टू इनहेल द गुड स्पिरिट्स एंड अबाउट एक्सेल द बैड वंस. इट्स ओनली आई हैव ओनली वन आंसर. टाइम सब कुछ सही कर देता है आई थिंक. ओके फ्रेंड्स, सुमित ने पूछा है विच थिंग टर्न्स गर्ल ऑन. हाँ वेल, इट्स फॉर मी इट्स पर्सनैलिटी. मोस्ट ऑफ द गर्ल वुड से मे बी सेंस ऑफ ह्यूमर एंड या आई थिंक सो. और क्वेश्चन फ्रॉम अ बॉय. ये मेरे होम टाउन से है तो प्रियम है. प्रियम ने मुझे पूछा है कि क्या आप मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगे अगर आप भी होम टाउन में हो और मैं भी. सी इफ दैट टाइम वी बोथ ऑफ अस विल बी सिंगल एंड आवर वाइब्स मैचेस देन व्हाई नॉट विल गो डेफिनेटली. ओके सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कुशाल. सो गर्ल्स प्रेफर सेक्स विथ कॉन्डम और विदाउट कॉन्डम. सी इट्स अ टोटली मैटर ऑफ यू नो इट्स अ म्यूचुअल थिंग फ्रॉम बोथ एंड. सो इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर पार्टनर. राज ने पूछा है डज साइज मैटर टू हैव अ गुड सेक्स. जितना मैंने मतलब सुना है यूट्यूब वीडियोज में लड़कियों से रिव्यूज एंड पढ़ा हुआ है आई थिंक. ये क्वेश्चन मुझे पूछा है दिव्यांश ने. दिव्यांश पूछते हैं कि लड़कियां ऐसे क्यों ड्राइव करती है सिली मिस्टेक्स. ये हर लड़कियों के साथ नहीं होता है. कुछ कुछ के साथ शायद ऐसा होता हो कि कभी कभी ऐसा होता है. मैंने भी नोटिस किया है कि जहाँ स्लो जानी होती है लड़कियाँ ब्रेक कर देती हैं. मगर ये हर किसी लड़की के साथ नहीं होती है ठीक है. नेक्स्ट इज मैं का नाम नहीं लेना चाहूँगी वीडियो में मगर इन्होंने मुझे पूछा है क्या लड़कियाँ जानबूझ के अपना क्लीवेज दिखाना पसंद करती है. क्या वो चाहते हैं लड़के टेम्पटेड होके इंटीमेट के लिए प्रपोजल दे उन्हें. सी इट्स हर बॉडी इट्स हर चॉइस. इफ शी इज़ कंफर्टेबल वेयरिंग इट इफ शी कैन कैरी इट विथ कॉन्फिडेंट एंड यू आर नो वांट टू जज एंड इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट यू नो क्लीवेज दिखा के यू नो मेकआउट एंड ऑल देन यू आर ए परवर्ट. थैंक यू. तो रीजू ने मुझसे पूछा है कि हाउ मच मनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. यस अप टू अ सर्टेन लेवल मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. आई थिंक दैट आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन सो आई वांट टू स्किप. सो मैंने ये क्वेश्चन के लिए मेरे फेसबुक इंस्टा एंड व्हाट्सएप पर भी मेरे जो कॉलेज के ग्रुप हैं वहाँ पे मेरे मेल फ्रेंड्स हैं मैंने सभी को पूछा था कि मुझे क्वेश्चन भेजो. आई एम बी क्रिएटिंग अ कंटेंट फॉर माई यूट्यूब चैनल जहाँ मैं सारे सवालों का जवाब दूँगी. जो ऑकवर्ड क्वेश्चन है लड़के डरते हैं पूछने से लड़कियों को आई विल बी आंसरिंग दोज एंड दैट इज़ द वन ऑफ द ट्रेंडिएस्ट टॉपिक ऑन यूट्यूब राइट नाउ. सो आई थॉट ऑफ डूइंग इट. तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम फेसबुक एंड आई केप्ट अ स्टोरी ऑन फेसबुक. सो वहीं पे मुझे ये रिप्लाई बैक आया फॉर हाउ लॉन्ग डज गर्ल्स लास्ट वाइल इन सेक्स. आई डोंट हैव आइडिया सो आई हैव गूगल्ड इट एंड इट शोज 5.4 मिनट्स. इट्स
average between 3 to 7 minutes. Yeah. So with that, today's video is all done. Hope you liked it, and if you have liked it, then please do subscribe to my channel, like, comment, share with your friends, and stay tuned for the next. Till then, bye bye, take care, stay safe.